सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। जितने भी आरोपी थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को डराने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का काम भी चालू है। 1000 के आसपास चारों तरफ पूरी पुलिस लगी हुई है। जो है देश भर के महत्तम नागरिकों के सबसे बड़े आस्था का केंद्र ऐसे श्री गणपति जी का आगमन सूरत शहर में और देश भर में हो चुका है। ये 10 दिन सूरत शहर के हजारों जगहों पर लाखों लोग साथ में मिलकर गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला। आज सूरत शहर पुलिस को खासतौर पर निर्देश दिए गए और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण, जब सूरत शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, गणपति जी की आस्था ये मात्र पूजा और अर्चना या आस्था का केंद्र नहीं है। गणपति जी के आगमन से ही सूरत शहर में पूजा अर्चना आस्था के साथ साथ ये रोजगारी देने में भी सबसे बड़ा त्यौहार है। चाहे वो फूलों वाले हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो मंडप का काम करने वाले लोग हो, चाहे वो कैटरिंग का काम करने वाले लोग हो, चाहे वो छोटी छोटी लारियां या फिर दुकानें चला रहे हो उनका काम हो, टेम्पो ट्रक चलाने वाले लोग हो, बैंड वाले लोग हो या फिर डीजे चलाने वाले लोग हो, ये सभी सेक्टर्स के लोगों के पास ये 10 दिन काम, भरपूर काम रहता है। और उससे ही ये 10 दिन से दिवाली का भी उनका त्यौहार बन जाए, इस प्रकार का उनको खास रोजगारी मिलती है। ये त्यौहार एवं गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को कॉम्बिंग करते वक्त आपने देखा, दृश्य आप सबने देखा है कि किस प्रकार से ताले लगा के अंदर छुपे हुए थे, किस प्रकार से पुलिस ने सभी ताले तोड़े और एक एक को घर के पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक लोग छुपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये तो लोहा का ताला था, जो चाहे वो ताला बना ले। ऐसे एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये 27 लोगों को पकड़ लिया गया है और रात को कॉम्बिंग चालू है। सूरज की पहली किरण से पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले हर एक लोग पुलिस की हिरासत में होंगे। गणपति जी ये मेरी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उनकी पूजा अर्चना करनी ये मेरा सौभाग्य है। और जो पंडाल पे आज पत्थर फेंके गए थे, वही क्षेत्र में वही सभी गणपति भक्तों के साथ बैठ के मैंने आज पूजा अर्चना भी की है, आरती भी की है, पूरे एरिया का मैंने जायजा आज खुद चल के लिया है। ये मेरे अपने लोग हैं, उनकी तकलीफों में मैं उनके साथ खड़ा हूं और गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले एक एक व्यक्ति को सूरज की पहली किरण से पहले पकड़ने का जो संकल्प है, वो संकल्प पूर्ण करने के लिए आज मैं खुद एक पुलिस चौकी में आके बैठा हूं और पूरी रात में सुबह होने से पहले सभी लोगों को न्याय मिल जाएगा। आज रात को एक गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा, उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी, इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजवाद करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी, जो दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से,
और उसके बाद जो मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ, फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारे में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है, और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी उस एरिया में, जितने भी एरिया में थे जहां जरूरत पड़ी वहां पर लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए, और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास हमारे जो कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे में और बहुत सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैमरे लोगों के मोबाइल में, कुछ अधिकारियों ने वीडियो भी इनको बनाया, उन सारों को जो है लेकर अभी जितने भी आरोपी थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को डोड़ाने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का काम भी चालू है। जो भी पुलिस अगर यहाँ देखा जाए करीब 1000 के आसपास चारों तरफ पूरी पुलिस लगी हुई है जो है, और पब्लिक अभी यहाँ पे है, यहाँ पे जिनको भी जो यहाँ से बिखेरने का काम चालू किया जा रहा है। लगभग जो बनाव बना है जो है ये करीब 8:30-9 बजे के आसपास का बनाव था जो है, तब से जो पुलिस की टीम कामगिरी चालू है, पुलिस भी यहीं पे थी उस समय, लेकिन विस्तार ऐसा चारों तरफ गलियां वगैरह है तो हर गली को कवर करने के लिए जो अगल बगल की पुलिस उनको भी डाइवर्ट यहाँ पे किया गया था। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन जो पुलिस को भी इंजरी हुई है, कुछ पब्लिक लोगों को भी इंजरी हुई है। हमारे सिटी के अलग अलग जो पुलिस स्टेशनों से सारे लोग को इकट्ठा किया गया, सारे अधिकारी उनके व्हीकल के साथ, हमारे जवान हेडक्वार्टर के जवान, एसआरपी के जवान, हमारे क्यूपेशन टीम, सारे लोग यहाँ पे अभी अलग अलग विस्तार में डिप्लॉय किए। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।